Good evening to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों, traditional administrative system of झारखंड को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में अगला जो administrative system हमको पढ़ना है वो है नागवंशी administrative system. नागवंशी administrative system जो है ये based है kinship पे. इसमें तीन टर्म्स आते हैं, पुंड्र, पुंडारिका और नाग. ये तीनों ही टर्म्स जो हैं, ये ट्राइब्स और ग्रुप्स दैट वेयर सेंटर्ड अराउंड छोटा नागपुर रीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज का जो मतलब है वो सेम ही है, ट्राइब और ग्रुप्स दैट वेयर सेंटर्ड अराउंड छोटा नागपुर रीजन. ठीक है, अब पहले जो नागवंशी राजा थे उनका नाम था राजा फनी मुकुट राय. ठीक है, और नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में ज्यादा डिटेल हमको बुक्स में नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा है ये ज्यादा प्रेवलेंट नहीं रहा, क्योंकि जब मुगल्स और ब्रिटिशर्स जो है आपके छोटा नागपुर वाले एरिया में आ गए, वहां से क्या हुआ कि जो ये ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये कहीं पे लुप्त हो गया, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा हमको निटिग्रिटीज नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये किनशिप पे बेस्ड है, ये तीन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है और पहले नागवंशी राजा जो है उनका नाम क्या है. वैसे तो इनके नागवंशियों के बारे में हम हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, अब अगला जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमको पढ़ना है वो है आपका मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. और मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ये संथालों में प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है, संथाल्स जो है आपको पता है कि ये इंडिया के वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स हैं और मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ झारखंड भी है ये. ठीक है, दे अडॉप्टेड मांझी सिस्टम फ्रॉम सौरिया पहाड़िया ट्राइब. तो ये जो मांझी सिस्टम है ये बेसिकली सौरिया पहाड़िया ट्राइब से लिया गया है. जो विलेज है इसको स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर किया जाता है और विलेज पंचायत जो है ये हेड किया जाता है मांझी के द्वारा. मांझी जो है ये प्रेसाइड करते हैं ओवर द विलेज काउंसिल मीटिंग्स and settles all the disputes relating to theft, conflict, divorce, etc. at the village level. जो religious head हैं संथालों के उनको नाइके कहा जाता है, deputy village headman को जोगमांझी कहते हैं, assistant to village headman जो है उनको हम परमाणिक कहते हैं, secretary to village headman को हम गोरायत कहते हैं. ठीक है, उसके बाद डेप्यूटी परमाणिक जो है उनको हम जोग परमाणिक कहते हैं. तो ये जो जोग शब्द है ना ये डेप्यूटी के लिए यूज किया जाता है. जैसे अपन देखो यहाँ पे जो डेप्यूटी विलेज हेडमैन है उनको जोग मांझी कहा, ठीक है, वैसे ही डेप्यूटी परमाणिक को जोग परमाणिक कहा. तो जोग जो शब्द है ये बेसिकली डेप्यूटी के लिए यूज किया जाता है. फिर अगला जो मतलब ऑफिशियल है वो है असिस्टेंट टू विलेज प्रिस्ट, जिसको हम लोग कुदम नायके कहते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ देखो टर्म चेंज हो गया, यहाँ पे असिस्टेंट टू विलेज प्रिस्ट जो है उनको हम कुदम नायके कहते हैं. जो विलेज प्रिस्ट है उनको नायके संथालों के केस में, और जो असिस्टेंट टू विलेज प्रिस्ट है उनको कुदम नायके. इंटर विलेज काउंसिल कंस्टिट्यूट्स 15-20 विलेजेस एंड डील्स विद मैटर विच कांट बी सेटल्ड एट विलेज लेवल. ठीक है, इसको पीर बोला जाता है और जो हेड होते हैं उनको परगनैत कहा जाता है. परगनैत जो है ये सेक्युलर हेड ऑफ पीर नॉमिनेटेड बाय ऑल द मांझीज ऑफ द कंपोनेंट विलेज. समझ में आया, ये जो 1520 विलेज इस पीर के अंदर आते हैं उन्हीं के जो सेक्युलर हेड होते हैं उनके द्वारा ये परगनैत जो है नॉमिनेट किए जाते हैं. ठीक है, और 5-10 पीर जो है इसको दिशुम कहा जाता है, और दिशुम का जो हेड होता है उसको दिशुम परगना कहते हैं, और ये दिशुम परगना जो है ये इलेक्ट किए जाते हैं पीर परगनास के द्वारा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. इन केस ऑफ सीरियस सोशल ऑफेंस दैट इज बिटलाहा, आपको पता है जब मैंने आपको संथाल ट्राइब पढ़ाया था तो उसमें एक सजा के बारे में पढ़ाया था, दैट इज
सोशल ऑस्ट्रसाइजेशन किया जाता है संथालों में, जिसको बिटलाहा कहा जाता है। और ये जो बिटलाहा करने की जो पावर्स है, इट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ दिशुम परगना, क्योंकि दिशुम परगना जो है देखो एक तरीके से सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है संथालों में, इसीलिए दिशुम परगना के ही हाथ में जो पावर है वो वेस्टेड है फॉर द सोशल ऑफेंस, दैट इज बिटलाहा देने की जो पावर है वो दिशुम परगना के हाथ में है। ठीक है, फिर देश मांझी या मोदी मांझी आता है, ये 5 से 8 विलेजेस का हेड होता है, है ना। ही एक्ट एज असिस्टेंट टू परगनायत, जो परगनायत होते हैं उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करता है कौन, तो देश मांझी या मोदी मांझी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर एक और ऑफिशियल है, वो है लेजर तंगाए। लेजर तंगाए जो है ये बेसिकली सोल्जर ऑफ द विलेज होते हैं, इनका काम होता है विलेज को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आप संथाल या मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ झारखंड, जिसको हम ढोकलो सोहोर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये खड़िया ट्राइब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो खड़िया ट्राइब से रिलेटेड है। देखो जो खड़िया हैं वो बेसिकली 3 तरीके के हैं, वो हैं आपके पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलको खड़िया। ठीक है, कहीं कहीं ढेलकी खड़िया भी लिखा हुआ होता है। तो खड़िया विलेज जो है ये पर्टिकुलर विलेज कंसिस्ट ऑफ पीपल ऑफ सेम गोत्र। तो खड़िया विलेज में जो लोग रहते हैं वो बेसिकली एक ही गोत्र के होते हैं। ठीक है, जो महतो होता है वो हेड ऑफ द विलेज होता है, पाहन या कालो जो है वो वर्शिप परफॉर्म करता है, करताहा होता है जो कि ईच विलेज में एक करताहा होता है, और करताहा जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर होता है विलेज का, वो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स। ठीक है, तो करताहा को याद रखना है, पाहन या कालो को याद रखना है और महतो को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है खूटी। खूटी क्या होता है, तो लोकल रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर टू सॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ विलेजेस। ठीक है, इसको हम लोग खूटी बोलते हैं। और ये इंटर विलेज, तो इंटर विलेज डिस्प्यूट जो है ये खूटी के द्वारा सॉर्ट आउट किया जाता है, और हर एक विलेज के अंदर का जो डिस्प्यूट है उसको करताहा सॉर्ट आउट करता है। ध्यान रखना, करताहा जो है एक विलेज के अंदर का जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉर्ट आउट करता है, और खूटी जो है 2 विलेजेस के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना उसको, इंटर विलेज जो हो रहा है उसको खूटी सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग 1934-1935 खड़िया ट्राइब ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ढोकलो। ढोकलो कंसिस्ट ऑफ ऑल द एरिया हेड्स लाइक महतो, पाहन, करताहा। ठीक है, दे यूनाइट वंस इन अ ईयर। तो ये साल में एक बार जो है ये जितने भी महतो, पाहन, करताहा ये सब जो है एक साथ क्या बोलते हैं साथ में आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इतना इंफॉर्मेशन ढोकलो सोहोर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखो अगला जो टॉपिक आता है वो है अदर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जिसको सिलेबस में मेंशन किया गया था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और इसके बाहर से मुझे लगता नहीं है कि कुछ इंफॉर्मेशन आना चाहिए, क्योंकि देखो बुक्स में इतने ही इंफॉर्मेशन दिए हैं, ये इंफॉर्मेशन कहीं मैं अपने से तो दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो बुक्स में इतना ही मेंशन है, अगर आपको कुछ और यूनिक फैक्ट मिले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और आप शेयर भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी नया सीखने को मिलेगा, साथ साथ में मुझे भी नया कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अदर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। तो कुछ कुछ अलग अलग ट्राइब्स हैं उनके भी छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं। ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ट्राइब आता है वो है कोरवा। कोरवा का जो पंचायत हेड होता है उसको कहा जाता है मुखिया। इंटर विलेज डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करता है बड़ा मुखिया। ठीक है, फिर एक क्लैन पंचायत होता है इसमें, ये जो कि सोशल कोड्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, आउटकास्ट पर्सन विल हैव टू पे अ फाइन
amounting to 40 to 50% of the total expenditure required in order to give feast to the whole community. Only then he or she will be readmitted to the community. और इस सेरेमनी को भात भीतर सेरेमनी बोलते हैं। तो बोलना क्या चाह रहा है, देखो जो कोरवा ट्राइब्स होता है उसमें एक भात भीतर सेरेमनी सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन को जो ट्राइब है उससे आउटकास्ट कर दिया गया हो, ठीक है, और वो इसमें फिर से रीएडमिशन चाहता है, तो उसको कम से कम 40 से 50% जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा पूरे विलेज कम्युनिटी को खिलाने के लिए, उतना पैसा जो है अगर वो डिपॉजिट करता है ना, तो ही जो है उसको जो आउटकास्टेड पर्सन है उसको वापस से कास्ट में रीएडमिट किया जाएगा। और इसी सेरेमनी को ना भात भीतर सेरेमनी कहते हैं, ठीक है। तो इतना एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखना कि भात भीतर सेरेमनी एक्चुअली क्या होता है। अब अगली जो जनजाति है वो है लोहरा जनजाति। इसमें जो इनहेरिटेंस होता है वो पैट्रिलिनियल होता है। मैरिज विद इन द क्लैन जो है ये सोशल ऑफेंस है और डाइवर्स टू बी बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, ठीक है। नाउ अगली जो जनजाति है वो है किसान जनजाति। इसमें ऑफिस बियरर्स जो है कम्युनिटी पंचायत के उनको महतो कहा जाता है और सरदार या कोटवार भी कहते हैं। ऑफिसर्स जो हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। अगली जनजाति है आपकी खैरवार जनजाति। इसमें विलेज लेवल हेड जो है उसको मुखिया कहते हैं। नंबर ऑफ विलेज ग्रुप्ड इनटू चटा, तो विलेजेस को मिला के जो ग्रुप बनता है उसको चटा बोलते हैं और चटा का हेड जो है वो प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा विलेज प्रिस्ट जो है इसको बैगा कहते हैं, ठीक है। अब अगली जो जनजाति है वो है करमाली जनजाति। करमाली जनजाति का विलेज हेडमैन को मुंडा कहते हैं, रिलीजियस हेड को पाहन कहते हैं। गोरायत में दे डोंट लिव इन अ प्लेस एज अ ग्रुप, दे लिव इन विलेज इनहेबिटेड बाई अदर ट्राइब्स एंड कास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि वो अपने से कोई ग्रुप में नहीं रहते हैं, वो दूसरे ट्राइब्स और कास्ट के साथ मिलजुल के एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ये स्कैटर्ड होते हैं, ट्राइबल पंचायत जो है यहाँ पे स्मूथली फंक्शन नहीं करता है। भाई कैसे करेगा, जब ये खुद ही स्कैटर्ड होते हैं तो इनका अपना ट्राइबल पंचायत तो है हो ही नहीं पाएगा, और होगा भी तो बहुत ही क्या है, स्कैटर्ड होगा, ठीक है ना। अब अगली जो ट्राइब है वो है गोंद, तो हेड ऑफ द पंचायत इनका बैगा या सयाना कहलाता है। अगला जो ट्राइब है वो है चिकबड़ाई। इनहेरिटेंस जो है इसमें पैट्रिलिनियल होता है और हेड ऑफ पंचायत को राजा कहा जाता है। चेरो ट्राइब अगली ट्राइब है, उसमें हेड ऑफ द विलेज पंचायत को मुखिया कहा जाता है और डिस्ट्रिक्ट लीडर जो है उनको सभापति कहा जाता है। अगली जो ट्राइब है वो है बिरजिया ट्राइब। इसमें कम्युनिटी पंचायत जो है अंडर बैगा ट्राइब रहता है, ठीक है ना। भूमिज में पंचायत हेड को प्रधान कहते हैं। बिंजिया में हेरिडिटरी लीडर्स इन कम्युनिटी पंचायत जो है वो मड़ी कहलाते हैं और गद्दी कहलाते हैं, ठीक है। तो बिंजिया ट्राइब में हेरिडिटरी लीडर्स जो हैं उनको मदी एंड गड्डी कहते हैं, और मदी जो है इनका हेडक्वार्टर को तरगा कहा जाता है और गड्डी जो है इनके हेडक्वार्टर को परबा कहा जाता है। तो ये कुछ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है भाई, ध्यान आप रखना है इसका, ठीक है ना। पर प्रेसिडेंट हुज ऑफिस इज हेरिडिटरी उसको करताहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो करताहा। अब अगली जो जनजाति है वो है बेड़िया जनजाति। बेड़िया जनजाति जो है इसका कम्युनिटी पंचायत होता है जिसमें ऑफिशियल्स लाइक ओहदार, महतो, पाहन और गोरायत शामिल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटा सा इंफॉर्मेशन है। फिर अगली जो ट्राइब है वो है बथूड़ी। बथूड़ी की जो ट्रेडिशनल पंचायत है उसको हेड करता है देहारी, ठीक है, और देहारी जो है इसको विलेज प्रिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेज प्रिस्ट। अगली जनजाति है महली जनजाति। इनका कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि महली ट्राइब में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई किस ट्राइब में ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता है, तो महली ट्राइब में
नहीं होता है और पंचायत ऑर्गेनाइज जो है वो लोकल लेवल पे होता है। ठीक है, तो इतना जो इन्फॉर्मेशन है आपको माहली ट्राइब के ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों ये था जितने भी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए थे और बुक्स में दिया हुआ था। इससे ज़्यादा मुझे तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। ठीक है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस प्लेलिस्ट में उसको भी इनकलकेट कर दूंगा टाइम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ झारखंड जो है हम यहाँ पे आज कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को थम्स अप बटन देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, मुझसे जुड़े रहिएगा, है ना। धीरे धीरे हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी सिलेबस हैं पेपर वन और पेपर टू को प्लस जो मेंस का सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।